तो चलिए आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का एक और चैप्टर, अ केस ऑफ सस्पिशन। अच्छा, केस का मतलब क्या होता है? मामला, किसी भी चीज के मामला को हम लोग केस कहते हैं, ठीक है। और सस्पिशन का मतलब होता है शक। जब आप किसी के ऊपर शक करते हो तो फिर क्या होता है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है यहां पर किसी के ऊपर शक किया जा रहा है और वो क्या सिचुएशन है वो हम लोग पढ़ेंगे। अ कंट्री डॉक्टर सेट्स आउट टू हेल्प अ पेशेंट इन द मिडल ऑफ अ विंडी नाइट। एक कंट्री डॉक्टर है जो कि एक पेशेंट का हेल्प करने जा रहा है मिडिल ऑफ द विंडी नाइट। विंडी नाइट मतलब जब बहुत आंधी तूफान आ रहा है उसके बीच में एकदम रात को वो जा रहा है पेशेंट का हेल्प करने। हुम डज ही मीट ऑन द वे, रास्ते में वो किससे मिलता है। एंड व्हाट डज ही लर्न, और वो क्या सीखता है। लेट्स रीड एंड फाइंड आउट, चलिए हम लोग पढ़ते हैं और पता करते हैं। उससे पहले आप इस चैप्टर को पढ़ने का ऑब्जेक्टिव देखिए। एट द एंड ऑफ दिस लेसन यू विल बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड अ सस्पेंस स्टोरी इन इंग्लिश। इंग्लिश में एक सस्पेंस स्टोरी आप पढ़ेंगे और उसको समझने का कोशिश करेंगे। यूज फ्रेजल वर्ब, ग्रामर का कुछ पोर्शन करेंगे जिसमें हम लोग करेंगे फ्रेजल वर्ब। चेंज डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, गिव एंड अंडरस्टैंड डायरेक्शन इन स्पीच एंड राइट अ पैराग्राफ रिपोर्टिंग एक्सपीरियंस। ये सारी चीजें हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद ग्रामर का पोर्शन करेंगे। लाइन से पूरा वीडियो देखिए, सारी चीजें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। अगर कुछ चीजें आपको क्लियर ना हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, उस पर आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। चलिए सेक्शन वन। ही थ्रू बैक द कवर्स एंड सैट अप ऑन हिज बेड, हिज फीट फीलिंग अलोंग द कोल्ड फ्लोर फॉर हिज हाउस स्लीपर्स, द टेलीफोन रिंगिंग इंसिस्टेंटली अ लिटिल डिस्टेंट अवे। वो अपना बैक कवर फेंके, ठीक है, वो कवर्स फेंक दिए, बेड पर बैठ गए। उनका जो पांव है वो ठंडे फर्श, फ्लोर का मतलब फर्श होता है, उसमें उनको ठंडा लग रहा है, अपना हाउस स्लीपर्स खोज रहे हैं वो। हिज फीट फीलिंग अलोंग द कोल्ड फ्लोर फॉर हिज हाउस स्लीपर, वो अपना हाउस स्लीपर्स खोज रहे हैं। द टेलीफोन रिंगिंग इंसिस्टेंटली, इंसिस्टेंटली मतलब बार बार, उनका टेलीफोन बार बार बज रहा है और वो थोड़ा डिस्टेंस अवे, उनका जो फोन है उनसे थोड़ा दूर पड़ा हुआ है। ही टर्न्ड ऑन द लाइट एंड वॉक्ड टू द फोन एंड टुक डाउन द रिसीवर। वो लाइट ऑन किए, फोन के पास गए और फोन का रिसीवर उठाए। दिस इज डॉक्टर बेंसन ही सेड, वो बोले, डॉक्टर बेंसन बोल रहा हूं। द नवंबर विंड वॉज ब्रिंगिंग साउंड्स ऑफ विंटर एज इट ब्लू अराउंड द लिटिल व्हाइट हाउस। नवंबर का टाइम है जहां पर विंटर का मौसम है, ठीक है, बहुत आंधी तूफान चल रहा है, बहुत हवा चल रहा है, ठीक है। ब्लू, ब्लू मतलब हवा का चलना या किसी भी चीज का चलना। कहां पर? द लिटिल व्हाइट हाउस, उनका घर जो है वो एक छोटा सा व्हाइट हाउस है। द डॉक्टर गॉट इन टू हिज क्लोथ्स, डॉक्टर अपना कपड़ा पहनते हैं। ही वेंट टू द टेबल एंड स्टेयर्ड अ मोमेंट एट हिज वॉच, हिज स्पिरिट कंप्लेनिंग एट द जॉब अहेड ऑफ हिम। वो टेबल के पास जाते हैं और थोड़ा देरी अपना घड़ी देखते हैं, और वो उनका जो जॉब है वो क्या है, डॉक्टर का। तो डॉक्टर का जॉब क्या होता है, आपको जब भी पेशेंट बुलाएगा आपको जाना पड़ेगा, तो वो इस चीज के ऊपर गुस्सा हो रहा है, इनको कंप्लेन कर रहे हैं वो। 2 o'clock, रात के 2 बज रहे हैं, 2 a.m. हो रहा है। हिज माइंड ऑल्सो कंप्लेन्ड एट द हॉरिबल आवर एंड ही वंडर्ड व्हाई चिल्ड्रन हैड टू बी बॉर्न एट सच इम्प्रॉपर टाइम्स। उनका जो दिमाग है वो भी कंप्लेन कर रहा है कि यार रात का 2 बज रहा है, और वो खुद सोच रहे हैं कि बच्चा लोग इस समय पे क्यों पैदा होता है, ये कोई समय थोड़ी है पैदा होने का। He took up 2 small handbags, the short pill bag, as the people of the town knew it, and the long obstetrical case, the baby bag, they called it. वो क्या किए, 2 छोटा handbag लिए, 1 short pill bag लिए, pill bag जो कि town में लोग बोलते हैं, और 1 baby bag लिए जिसको वहाँ पे ऐसे उसका नाम है long obstetrical case, वहाँ पे लोग उसको baby bag नाम से बोलते हैं।
Dr. Benson stopped a moment to light and then put the backpack of cigarettes in his overcoat pocket. Dr. Benson रुकते हैं और सिगरेट जलाते हैं और सिगरेट का पैकेट अपने ओवरकोट के पॉकेट में रख लेते हैं. The wind felt like a surgeon's knife at his face as he opened the door and ran, bending low around the driveway to the garage. जो हवा है वो इस तरह से चल रही थी कि उनको ऐसा लगा कि कोई उनके ऊपर नाइफ चला रहा है, चाकू चला रहा है उनके चेहरे पर. वो गेट जैसे ही खोलते हैं, सर नीचे करते हैं और दौड़ते हैं कहाँ पर, गैराज की तरफ जहाँ पे वो अपना गाड़ी निकाल पाए. His car started with difficulty, curved half a dozen times as he drove down the driveway, but then began to run more smoothly as he turned down grass street and onto the deserted highway. उनका जो कार है वो थोड़ा डिफिकल्टी से चालू होता है, उसको स्टार्ट होने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है. वो आधा दर्जन से ज़्यादा बार खांस चुके हैं और वो क्या कर रहे हैं, अपना गाड़ी चला रहे हैं कहाँ पर, ग्रास स्ट्रीट फिर डेजर्टेड हाईवे तक वो पहुँचे, ठीक है, और गाड़ी बहुत स्मूथली वो चला रहे हैं. मिसेस ऑटसोल्ले, हु डॉक्टर बेंसन वॉज ऑन हिज वे टू विजिट, ऑलरेडी हैड ऑलमोस्ट अ डजन चिल्ड्रन, बट इट सीम टू द डॉक्टर दैट नेवर वंस हैड शी हैड अ बेबी इन गुड वेदर नॉर इन डे लाइट. मिसेस ऑटसोल्ले जो माँ बनने वाली हैं, डॉक्टर बेंसन उन्हीं के यहाँ जा रहे हैं. डॉक्टर बेंसन बताते हैं, खुद से ही बात कर रहे हैं कि पहले से तो एक दर्जन बच्चे हैं उसके, ठीक है, और जहाँ तक उनको याद आ रहा है कोई भी बच्चा अच्छा वेदर में पैदा नहीं हुआ, साथ ही साथ कोई दिन में पैदा नहीं हुआ. एंड वाइल डॉक्टर बेंसन वॉज अ कंट्री डॉक्टर, ही वॉज स्टिल अ यंग मैन एंड कुडंट फाइंड द प्लेजर दैट हिज फादर द ओल्ड डॉक बेंसन हैड फाउंड इन सीइंग ऑट द फादर ऑलवेज टू और थ्री बेबीज बिहाइंड इन पेमेंट ऑफ हिज बेबी बिल्स. आप देखिए जो डॉक्टर बेंसन है, जो वो क्या है, एक कंट्री डॉक्टर है, अभी भी जवान है, बहुत यंग है, तो उनको वो प्लेजर नहीं मिला जो उनके पापा को मिला था. उनके पापा का नाम क्या, ओल्ड डॉक्टर बेंसन. क्या प्लेजर, मिसेस ऑटसोल्ले का, ठीक है, क्योंकि जब वो उसके पापा ऑटसोल्ले के बच्चे को पैदा किया करते थे, ठीक है, और हमेशा दो या तीन बच्चों का जो पैदा करने का जो बिल बनता था वो ड्यू ही रहता था. तो चलिए अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं. इंडेक्स क्वेश्चंस 8.1, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. अब जो हम लोग यहाँ तक पढ़े हैं चैप्टर, उसके बेस पे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स है ये ट्रू है या फॉल्स है. द डॉक्टर इन द स्टोरी वॉज एन एल्डरली मैन, फॉल्स. देखिए यहीं पे है, ही वॉज स्टिल अ यंग मैन, अभी भी वो यंग है. हिज फादर हैड बीन अ कंट्री डॉक्टर टू, ट्रू, क्योंकि वो खुद एक कंट्री डॉक्टर है तो उसके पापा भी वहीं काम करते थे, वो भी कंट्री डॉक्टर ही रहे. द डॉक्टर लाइक द लेट नाइट कॉल्स, फॉल्स. देखिए यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि वो बार बार कंप्लेनिंग, ठीक है, वो कंप्लेन कर रहे हैं बार बार कि ये समय पे कौन कॉल करता है, ये समय पे कौन बच्चा पैदा करता है. द डॉक्टर कैरेड टू बैग्स ऑन हिज विजिट, ट्रू. ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, He took up the two small handbags. एक है शॉर्ट पिल का और दूसरा है बेबी बैग. Mrs. Ottsolle was having her first baby. False. पहले से उसके एक दर्जन बच्चे होते हैं, ठीक है, तो अगर आपसे रीजन पूछता तो ये सब रीजन आप बता पाते. अब चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर्स कुछ करते हैं. ये तो ट्रू फॉल्स हुई. आंसर द क्वेश्चन ब्रीफली. एट वॉट टाइम डिड डॉक्टर बेंसन रिसीव द कॉल. डॉक्टर बेंसन रिसीव्ड द कॉल एट 2:00 इन द नाइट, ठीक है, रात को 2 बजे उनको कॉल आया था. हु डिड ही विजिट एंड व्हाई. ही visited Mrs. Ottsolle to deliver her
बेबी, वो और सोल्डे जी के पास जा रहे थे, क्यों? उनका बच्चा होने वाला था। वॉट डिड द डॉक्टर कैरी इन हिज बैग, अपने बैग में वो क्या कैरी किए थे? द डॉक्टर कैरेड पिल्स एंड सर्जिकल थिंग्स ट्रीटमेंट्स इन हिज बैग्स, बैग्स में वो ये दोनों चीज लिए थे। Did the doctor receive prompt payment? How do you know? No. The doctor did not receive prompt payment as previous bills were pending payments. ठीक है, देखिए यहां पे बता रहा है, the old Dr. Benson had found it in seeing odd, the father always two or three babies behind in payment of his baby bills. ठीक है, तो इस तरह से है।